दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो बी न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के रूप में। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डाले आप तक पहुंची रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के रूप में। तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर है, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों कांग्रेस नेता बोले पीएम मोदी के शपथ लेते ही गिर जाएगी कर्नाटक सरकार। जी हां दोस्तों, कर्नाटक सरकार के बारे में अटकलों का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कई कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी के पाले में जाने और जल्द सरकार गिराने की अफवाहें उड़ रही है। इसी बीच प्रदेश के कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक के एन रंजना ने कहा है कि कर्नाटक सरकार तभी तक है जब तक प्रधानमंत्री मोदी शपथ नहीं लिया है। मोदी शपथ लेते ही सरकार गिर जाएगी। कर्नाटक नेता के एन रंजना ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के शपथ लेते ही परमेश्वर डिप्टी सीएम है। प्रधानमंत्री शपथ लेते ही परमेश्वर डिप्टी सीएम नहीं रह पाएंगे और न ही सरकार उनकी चल पाएगी। अगले महीने 10 जून को कर्नाटक सरकार गिर जाएगी। इसके विपरीत कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिया ने कहा है कि गठबंधन का कोई विधायक बीजेपी में नहीं जा रहा है। बीजेपी के पूर्व में भी सरकार गिरने की कोशिश है, भविष्य में भी कोशिश करेंगे, लेकिन मौजूदा सरकार उनकी मियादी है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार्थ रमैया ने ट्वीट करके कहा है कि बीएस येदियुरप्पा बहुमत न होने के बावजूद सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। यह कोई नया नाटक नहीं है बल्कि लोगों को भ्रमित करने की पुरानी चाल है। श्री नरेंद्र मोदी संविधान के सामने माथा झुकाते हैं लेकिन संविधान के किस धारा से बीजेपी को सरकार अस्थिरता करने का अधिकार दिया है? जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, चीन ने दिया बड़ा बयान, कैसे भी हो दुनिया के हालात पाकिस्तान का देंगे साथ है। जी हाँ दोस्तों, चीन हमेशा पाकिस्तान के मुख्य हितों के पक्ष में खड़ा रहेगा और उसके ऊपर इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य किस तरीके से बदलता है। पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे चीन के उपराष्ट्रपति वांग छिसान ने कह दिया है कि वांग ने पाकिस्तान चीन संस्था द्वारा आयोजित एक बैठक में कहा है कि विश्व ऐसे समय में गुजर रहा है जहां प्रमुख बदलाव एवं घटनाएं हो रही है। उन्होंने कह दिया कि पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक चुनौतियां तथा अन्य विचारों और संस्कृतियों के बीच संघर्ष में परिस्थिति और जटिल होती जा रही है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक वांग ने कह दिया है कि इसमें फर्क नहीं पड़ता कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कैसे बदलता है, चीन हमेशा पाकिस्तान के मुख्य हितों के पक्ष में रहेगा। चीन और पाकिस्तान दोनों ने समानता और द्विपक्षीय लाभों के आधार पर यह निर्णय किया है। आपको बता दें कि पहले से ही पाकिस्तान संकट से जूझ रहे महीने मार्च से ही उसका बाहर दोस्त चीन सामने आया है। चीन से पाकिस्तान को करीबन $2 अरब का कर्ज मिल गया है। इस पर तखलियान हो चुका पाकिस्तान अब चीन के कर्ज जाल में फंसता जा रहा है। को बता दें कि पाकिस्तान के भीतर चीन की महत्वाकांक्षी योजना चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर यानी CPCE को लेकर के आर्थिक असंतोष भी पनप रहा है। चीन की CPEC परियोजना पाकिस्तान के अलगाववादियों के निशाने पर आ गया है। हाल के इस योजना को निशाना बनाते हुए कई आत्मघाती हमले को अंजाम भी दिया गया। हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, बाबा रामदेव ने लॉन्च किया पतंजलि के नए डेयरी प्रोडक्ट, कहा 23 मई को मोदी दिवस घोषित किया जाए। जी हाँ दोस्तों, योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव ने पतंजलि के नए डेयरी प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। रामदेव ने कहा है कि पतंजलि मार्केट में गाय का दूध क्रीम, टोड दूध, गाय के दूध की लस्सी, छाछ, नमक वाली और बिना नमक वाली दोनों तरीके के डिब्बे वाला लस्सी लॉन्च कर रहा है। रामदेव ने बताया है कि पतंजलि का दही अमूल और मदर डेयरी से भी सस्ता होगा। इसका जो कीमत है वो ₹40 होगा और अभी मदर डेयरी और अमूल डेयरी का जो कीमत है वो ₹45 है। आपको बता दें कि पतंजलि के फुल क्रीम दूध को ट्रेड पैक में भी लॉन्च किया गया है। इस दूध की एक्सपायरी डेट 6 महीने है। ट्रेड पैक वाले दूध की कीमत ₹60 प्रति लीटर है। इसका छोटा पैक भी लॉन्च किया जा रहा है। रामदेव ने पतंजलि का टोड दूध भी लॉन्च कर दिया है। यह दूध भी अमूल और मदर डेयरी से दूध से ₹4 सस्ता है। आपको बता दें कि उन्होंने कह दिया है कि 23 मई को भारतीय राजनीति इतिहास में एक गौरवशाली दिन बन गया है। 50% से अधिक ज्यादा लोगों ने मोदी की और NDA के पक्ष में वोट दिया है। यह भारतीय राजनीति की अपूर्ण एक घटना है। 23 मई को भारतीय राजनीति के इतिहास के रूप में मनाया जाए। मैं चाहता हूं कि 23 मई को मोदी दिवस के रूप में या फिर लोक कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाए। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, गौतम गंभीर पर शाहिद अफरीदी का हमला, कहा अक्ल नहीं है फिर भी लोगों ने तुम्हें वोट दिया। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया 2 वर्ल्ड कप जीतने वाले बल्लेबाज गौतम गंभीर अब दिल्ली के सांसद भी हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, बीजेपी के टिकट पर उन्होंने लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की है, लेकिन उनकी इस जीत पर पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद
अफरीदी ने सीधा निशाना साधा है। शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि गौतम गंभीर को अक्ल नहीं है, फिर भी लोगों ने उन्हें वोट दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के हमले के बाद गौतम गंभीर ने बयान दिया था कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट संबंध खत्म कर लेना चाहिए। गौतम गंभीर की इस राय के बारे में जब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि क्या कोई समझदार इंसान इस तरीके की बात कर सकता है। गौतम गंभीर को अक्ल नहीं है, फिर भी लोगों ने उन्हें वोट दिया। आपको बता दें कि क्रिकेट के मैदान से राजनीति के पिच पर उतरे गंभीर पूर्वी दिल्ली के बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और लगभग 6,97,000 उनको वोट मिले थे। गौतम गंभीर ने कांग्रेस नेता अरविंद सिंह लवली को 3,91,000 वोटों से हरा दिया था। आपको बता दें कि अफरीदी ने जवाब में कहा है कि और गौतम गंभीर को जबरदस्त जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अफरीदी तुम बहुत मजाकिये हो, वैसे हम अभी भी पाकिस्तान के लोगों को इलाज करने के लिए भारत का वीजा दे रहे हैं, मैं तुम्हें खुद मनोचिकित्सक के पास लेकर के जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है 6 से 15 जून तक चल सकता है 17वीं लोकसभा का पहला सत्र। जी हाँ दोस्तों, 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 6 से लेकर के 15 जून तक चलने की संभावना है। 31 मई को होने वाली कैबिनेट की पहली बैठक के सत्र की तारीख का अंतिम फैसला कर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री 30 मई को दूसरी शपथ लेंगे और इस दिन प्रधानमंत्री 130 करोड़ जनता के लिए बहुत बड़ी घोषणा का ऐलान भी कर सकते हैं, जिससे 130 करोड़ जनता को सीधे उनको फायदा होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 6 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करेंगे। सत्र के पहले ही दिन लोकसभा अस्थाई स्पीकर की नियुक्ति भी कर सकता है। आपको बता दें कि अस्थाई स्पीकर नव निर्वाचित सांसदों को पद और गोपनीयता के भी शपथ दिलाएंगे और स्पीकर का चुनाव 10 जून को होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है 5,00,000 रुपए से कम आय वाले लोगों के लिए आई जरूरी सूचना। जी हाँ दोस्तों, देश भर में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका सालाना आय 5,00,000 रुपए से कम है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका भी सालाना आय 5,00,000 रुपए से कम है तो यह जरूरी सूचना आपको जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, 5,00,000 रुपए से कम आय वाले लोगों के लिए ये जरूरी सूचना आरटीआई भरने को लेकर के आई है। 5,00,000 रुपए से कम आय वाले लोगों के लिए भी ऑनलाइन आरटीआई भरना होगा। सीबीडीएस ने 2018-19 में रिटर्न भरने के लिए 4 से 5 दिन पहले 1 से 7 तक नोटिफिकेशन जारी किए थे। अब इनमें से फॉर्म 1 in 4 सीबीडीएस ने 2018-19 में रिटर्न भरने के लिए 4 दिन पहले फॉर्म 1 से 7 तक नोटिफिकेशन जारी किए थे। अब इनमें से फॉर्म 1 in 4 ऑनलाइन रिटर्न के जरिए होगा। सभी फॉर्मों को आयकर विभाग के अतिरिक्त जानकारी यह मांग रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कांग्रेस पार्टी के बड़े बदलाव की तैयारी। सीडब्ल्यूसी ने राहुल गांधी को सौंपा ओवरहॉल का जिम्मा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बड़ी हार झेलने के बाद कांग्रेस पार्टी संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी में संपर्क विभाग के इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में मिली हार को पार्टी में संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है और पार्टी के ओवरहॉल के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को अधिकृत किया है। जी हाँ दोस्तों, रणदीप सुरजेवाला ने आग्रह किया है कि वह संगठनात्मक स्तर पर होने वाले बदलाव को किसी तरीके की अफवाह न फैलाएं। इस बीच कांग्रेस पार्टी के राज्य इकाई के कई अध्यक्षों ने अपना त्याग पत्र देना शुरू कर दिया है। सोमवार को झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुखों ने अपना त्याग पत्र भेज दिया है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है अजय देवगन के घर से आई शोक की खबर, उनके करीबी का हुआ निधन। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के सिंघम अभिनेता अजय देवगन के फैंस के लिए बहुत बुरी खबर है। यह खबर सुनकर के आपको झटका भी लग सकता है। अजय देवगन के पिता और स्टंट मास्टर वीरू देवगन का आज मुंबई में निधन हो गया है। आपको बता दें कि अजय देवगन के पिता वीरू देवगन एक प्रसिद्ध स्टंट मास्टर थे। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में स्टंट कोरियोग्राफी भी किया है, जिसके लिए उनको कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। आपको बता दें कि अजय देवगन के पिता वीरू देवगन की सेहत पिछले काफी समय से खराब चल रही थी। यही कारण है कि उनको मुंबई के सांता क्रूज में स्थित सूर्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज उन्होंने 27 मई 2019 को अंतिम सांस ली। देवगन ने लगभग 80 से ज्यादा फिल्मों में एक्शन कोरियोग्राफी करने का काम भी किया है। इसके अलावा उन्होंने हिंदुस्तान की कसम नाम से आई फिल्म को डायरेक्ट भी किया था। आपको बता दें कि केवल एक्शन और डायरेक्शन ही नहीं बल्कि वीरू देवगन ने बतौर एक्टर के रूप में भी फिल्मों में काम किया है। वह क्रांति, सौरभ, सिंहासन जैसी फिल्मों में बतौर अभिनेता के रूप में काम कर चुके हैं। एक्शन डायरेक्टर के तौर पर उनकी बेहद बहुत बड़ी फिल्म फूल और कांटे, हिम्मत वाला, प्रेम रोग, क्रांति, 2 और 2 5 जैसी फिल्में भी उनमें शामिल हैं। वीरू देवगन की आखिरी बार उनकी फिल्म टोटल धमाल के स्क्रीन पर देखा गया है। आपको बता दें कि वीरू देवगन पब्लिक इवेंट और पार्टी में जाना पसंद नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके कह दिए
ऐसी बात तो प्रधानमंत्री बोले हम तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके इमरान खान कह रहे हैं कि मोदी उनकी प्रचंड जीत को बधाई भी दी, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को शुक्रिया कहा। आपको बता दें कि इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन करके कहा है कि पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते हमारी प्राथमिकता है। साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के अच्छा काम करने के लिए जताया। इस पर नरेंद्र मोदी ने जवाब में कहा, उसे जानकर आपको खुशी हुई।